जैसलमेर पहुंचकर मेरे राजस्थान राइड का ऑलमोस्ट जो सबसे लंबा लेग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जैसलमेर के बाद जितना भी राइड होगा वो टूवर्ड्स द ईस्ट होगा, मतलब अभी तक मैं टूवर्ड्स वेस्ट राइड कर रहा था। और जैसलमेर पहुंच के ये जो कैमल सफारी और डेजर्ट सफारी करने का जो मेन मकसद था वो अभी जाकर कंप्लीट हो चुका है, मतलब हुआ नहीं है, इसके बाद और भी मस्ती बाकी है। और इतनी देर हिमालयन चलाने के बाद गाड़ी वाड़ी सब अच्छे से पार्किंग कर दी है होटल पे, जा रहे हैं इस थार में। हमारे पास काला चश्मा नहीं था तो दौड़ के जाके खरीदना पड़ा, लेट कर दिया हम लोग एक घंटा। खाना वाना खा के निकले, अभी रास्ते में सब जुगाड़ करते हुए जाएंगे डेजर्ट सफारी की तरफ। तो हमारी हम एक ऊँट में एक ही जन बैठेगा, तो नाम क्या क्या है ऊँट का? दुर्जन। बस सारों का नाम नहीं, अलग अलग नाम है। तो वहाँ ऊँट के पास जाके बता देना आप सबके नाम, इंट्रोड्यूस करा देंगे, ठीक है? तो भाई ये है आज का हमारा पहला डेस्टिनेशन, तो जगह का नाम है कुलधारा। जहाँ तक दूर दूर तक देखोगे पूरा का पूरा एबंडेंट वॉल से पूरे गांव का, ये पोज मारते हुए निक भाई। तो ये ब्राह्मण लोगों का गांव था, मतलब तब उस लोग 84 विलेजेस के आसपास बनाए थे, फिर अटैक वटैक हुआ उसके बाद से एबंडेंट हो गया। अब इसको भूतिया गांव क्यों बोलते हैं ये मेरे को नहीं पता। मतलब देखोगे तो ये जगह बहुत ही सूखा जगह, जैसलमेर से लगभग 14 किलोमीटर बाहर और सम से कम 20-25 किलोमीटर आगे। तो आ रहे हो तो पानी का बोतल ज़रूर कैरी करना, यहाँ पूरे राजस्थान में वही चाहिए। और मतलब कंपैरेटिवली जब से मैं राइड शुरू किया था उससे कंपेयर करोगे तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गया है, मतलब वापस जाने में मेरा हालत टाइट हो जाएगा। ऐसे पूरे गांव में घूमने जाओगे तो मतलब खो जाने का भी डर है। ये सीढ़ी भी कितना खतरनाक है ये वाला, हाँ आराम आराम से चढ़ना पड़ रहा है। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, हाँ। अरे ये निखिलेश कितना खतरनाक बंदा है, हाँ ऐसे पब्लिक घूम रहे इधर। ये बंदा बोलता है कि मंदिर में फोटो नहीं लेना, फोटो अपने आप डिलीट हो जाती है। लोग पूछते सही में डिलीट हो जाती है भाई ऐसे? और फिर रघुजन पूछता है कि अच्छा उधर घर देख क्या थे, बोले कौन सा घर, रेड कलर से मार के भूतिया घर है वो, उसी घर में भूत निकलता है, ऐसे करके बोलता है। तो घूम लिए भाई कुलधारा, बस थोड़ा सा ही वॉकिंग है, असली मज़ा यहाँ पे नहीं है, असली मज़ा रात को होने वाला है, डेजर्ट कैंप है तो वहीं चलते हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं आज के डेजर्ट सफारी का दूसरा लोकेशन, ओएसिस, मतलब डेजर्ट में जहां साल भर पानी मिलता है। ये लेक कभी सूखता नहीं है, 12 महीना ऐसे ही पानी मिलता है। तो डेजर्ट के बीच में जो मेन वाटर सोर्स होता है उसे ओएसिस कहते हैं। चारों तरफ हरे भरे पेड़ है, बहुत सारे चिड़ियों की आवाज़ है, अच्छा लगा मेरे को, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे देखा मैं। यहाँ आते आते इतना ज़्यादा धूल उड़ रहा था ना, मेरा कैमरा पूरा धूल धूल हो गया है सामने से। तो यहाँ के आसपास के जितने भी गांव हैं सब यहीं से आके पानी भरते हैं, यही सब कुछ है, मतलब मेन वाटर सोर्स है। अभी तो सब जगह बोरवेल वगैरह हो गया है तो अंडरग्राउंड पानी बहुत इजीली मिल जाता है। ये हम है, ये हमारी सवारी है और यहाँ क्या किया जाए वो सोची जा रही है। तो पहुँच गए हम सम, और यहाँ से अभी जो 45 मिनट्स का जर्नी है वो होने वाला है ऊँट पर बैठ के। गर्मी है बहुत ज़्यादा। चलो अभी ये हमारी बारी ऊपर चढ़ेगी, मोबाइल वगैरह ठीक है।
जीव आ जीव बैठो हमरा पकड़ हम चल इसे पकड़ो ना वो पकड़ के रखेगा आप हां ये तो क्या लो करो फिर मोरे क्या ले पद दे हां एकदम सही आराम आराम टेस्ट फुटेज लिया जा रहा है यहां कैमल पे बैठ के तो लगभग 45 किलोमीटर दूर जैसलमेर से मतलब सबसे पहले हम लोग देखे कुलदारा फिर उसके बाद एक ओएसिस देखे और उसके बाद फाइनली आ गए हैं हम लोग यहाँ डेजर्ट सफारी स्टार्ट हो चुका है हमारा और डेजर्ट सफारी का सबसे पहला चीज़ है कैमल राइड तो पहले हम सोचे थे कि कैमल राइड नहीं करेंगे लेकिन फिर जैसे ही गाड़ी में मैं बैठा तो मेरे को ध्यान में आया अगर नहीं किए तो यार इतना दूर आए मिस कर जाएंगे कर लेते इतना बार राइड किए एक और बार सही तो यहाँ कैमल राइड मेरा शुरू हो चुका है और एक हाथ में कैमरा पकड़ के हम डिसबैलेंस हो रहे हैं गिर ना जाए कैक्टस के ऊपर भाई दा भाई ये सनग्लास लेके हम अच्छे दिख रहे हैं यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है लेंस पे अच्छे दिख रहे हैं और आज के कैमल सवारी का सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है हम लोग अच्छा किए कि लेट से निकले क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 5 सूरज देवता का प्रकोप भी उतना ज़्यादा नहीं है तो जब तक हम लोग अपने कैंपिंग साइट तक पहुँचेंगे तब तक हमें कैमल राइड करते हुए दिख जाएगा अच्छा खासा सनसेट है कि नहीं भैया हाँ दिख जाएगा ना बस जो चीज़ चाहिए था हमें जैसलमेर के सैंड ड्यून्स पे सनसेट पुष्कर का तो देख ही लिया सबसे खूबसूरत सनसेट था अभी जैसलमेर का सनसेट और ये कैमरा का बैग बांधने का भी मस्त बंदोबस्त किया मैंने यहाँ इसके ऊपर सब और गोप्रो इधर लटक रहा मेरा यहाँ हम कर रहे डेजर्ट सफारी और रेगिस्तान के बीच में आ गया कुत्ता भौंकते हुए कहाँ से पता नहीं और ये पहुँच गए हम अपने कैंपिंग साइट पे जहाँ पे कैंपिंग किया जाएगा कोई डिस्टरबेंस नहीं कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं यहीं पे हम रुकेंगे आज अरे इसको मत बैठा ये फोटो खींचनी भैया अरे बैठा दिया यार बैठ जाएगा ये ठीक है बैठने दो एकदम सेक्लूडेड पहले बैठ अच्छा बैठो बैठो बैठ जाओ हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो बैठो हाँ बैठ गया अरे बात मानता है मेरा आया खत्म रे उतर जाए ओह पहुँच गए कैमरे की बैग निकाल लेते ये पहुँच गए हम अपने साइट पे कैंपिंग साइट पे इतने दूर तक का तो बस जर्नी था अभी जो असली मज़ा है वो शुरू होगा तो यहाँ पे टेंट वगैरह सब पिच करेंगे सबसे पहले फिर और भी बाकी प्रोग्राम है लेकिन एक चीज़ मैं नोटिस किया ये लोग निकलते दोपहर के 2 बजे के बाद तो मेक श्योर आप अच्छा खासा थोड़ा लंच करके निकलो क्योंकि रास्ते में कुछ भी नहीं है और अगर भूख लगता है तो फिर सर चकरा लगेगा ऐसे सैंड ड्यून्स पे ऊपर नीचे करते करते ये चीज़ मैं मेरे को लगा मतलब मेरे को फील हुआ तो मैं अच्छा खासा खा के ही निकला था चावल वगैरह खा के निकला था रेत रेत हो गया ये वाला बैंक मतलब ये सीट का हालत देखो वही हालत मेरा बैग का हुआ है तो यहाँ पे हो रहा है खूबसूरत सा सनसेट यहाँ ऊँट आराम कर रहे हैं और हम थोड़ा सनसेट का मज़ा ले लेते हैं पहुंचने के बाद सबसे पहले क्या बन रहा है चाय पकौड़ी अरे आप तो ऊंट वाले चाचा थे आप सब्जी वाले चाचा बन गए अरे बाप रे फायरवुड में चाय बन रहा है इधर अदरक वाली चाय जिंजर चाय गरम चाय
गर्म है इसलिए मैं सुर 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 करके पी रहा हूँ ताकि ठंडा लगे, नहीं तो ऐसे चाय पीते पीते आवाज़ करना पता नहीं अच्छा होता कि नहीं होता। इनका पीछा हम करते करते इनके ब्लॉग में आ गए हैं। ये निकलेश भाई पीछे चाय का मज़ा, चाय की चुस्कियों का मज़ा लेते हुए। मेरा जो वायरलेस वाला माइक था वो डिस्चार्ज हो गया पता नहीं क्यों, अच्छा वो एक स्पेयर माइक कैरी कर रहा था तो मैं तो पुष्कर के सैंड ड्यून्स देख के खुश हो रहा था, लेकिन असली जो मज़ा है वो जैसलमेर के सैंड ड्यून्स है। पुष्कर में तो वो सैंड ड्यून्स था भी नहीं, वो सैंड के पहाड़ थे। तो यहाँ ऊपर मैं चढ़ रहा हूँ आपको बस एक व्यू दिखाने के लिए कहाँ तक है ये सैंड ड्यून्स। और यहाँ पे थोड़ा खाली पैर चलना रिस्क है क्योंकि कैक्टस वगैरह है, उसका कांटा वगैरह अगर गड़ गया तो रात भर चुभेगा। हम लोग उन पहाड़ियों के पीछे से अपना कैमल राइड शुरू किए थे, वो पूरा विंडमिल वगैरह दिख रहा था, आपने वीडियो में नोटिस किया ही होगा। और वह उसी के रास्ते हम लोग यहाँ पहुँचे अपना कैंपिंग साइट पे, और ये पूरा व्यू। तो यहाँ ड्यून्स पे खड़े खड़े सनसेट हो चुका है और इसके बाद का जो प्रोग्राम है वो बहुत कुछ है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी कि क्या क्या प्रोग्राम है। तो फिलहाल अभी मैं गोप्रो का बैटरी वगैरह बचा के रखता हूँ, और जो रात में अगर तारे वारे दिखेंगे तो उसका नाइट फोटोग्राफी कुछ करेंगे, इसीलिए मैं गोप्रो का थोड़ा चार्ज बचा के रखना चाहता हूँ। और मैं अपना कैमरा जो A7 III है उसको मैं रिस्क नहीं लूँगा यहाँ पे, क्योंकि बालू घुस जाएगा तो फिर मेरे फटके लग जाएंगे। यहाँ बन रहा है रात के लिए सब्जी और उधर पकौड़ा। गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम द सैंड ड्यून्स ऑफ जैसलमेर। तो आज हो गया है 15th of February और यहाँ तो आज हो गया है 15th of February। मस्त सुबह सुबह नींद खुला 8 बज रहे हैं, बहुत सारा मस्ती किया कल रात को, खाना वाना भी एकदम बढ़िया था पूरा, मटन हम लोग वहीं से आते वक्त उठा लिए थे, मटन चावल फिर सब्जी रोटी इतना सारा कुछ खाए, बहुत बढ़िया खाना था। फिर अभी सुबह को उठे फ्रेश फ्रेश हो लिए हैं, वहाँ चाय बन रहा है, बस डेजर्ट में कैंपिंग करने का जो इच्छा था वो पूरा हो गया। ये ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, लाइक ज़रूर करना, और अगर डिसलाइक कर रहे हो तो कमेंट करके ये भी ज़रूर बता देना कि क्यों अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं भी रेक्टिफाई कर सकूँ बाद में, सीख लूँ जो भी हो जैसा भी हो। With that said, thank you for making me a part of the day, guys. Thank you for watching Nature Moto. See you in the next vlog. And thank you for supporting my Ride to Rajasthan series.